Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Learn English in a Simple Way. Dosto, ye English verb tenses ya English tenses pe chautha chapter hai. Previous chapter mein humne sikha tha most important three verbs of English. To jo English tenses ka jo playlist hai, aap mein ye sare chapters jo hain wo dekh sakte hain. Agar ye chapter aap start karein to isse pehle jo chapters hain unko zarur dekhiye. Agar dekhe hain to ye chapter aapke और भी आसानी से समझ में आएगा. दोस्तों आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री वर्ब्स हमने जो की थी इनमें से वर्ब हम करने जा रहे हैं बी. दैट इज बी ई बी कि जो इंग्लिश फॉर्म बी है वो कैसे काम करती है. जी दोस्तों बी के बारे में हम सीखेंगे कि बी वर्ब जो है वो प्रेजेंट में कैसे काम करता है, पास्ट में कैसे काम करता है और फ्यूचर में कैसे काम करता है. जी दोस्तों प्रेजेंट में जो बी वर्ब है वो जो फॉर्म लेती है वो है एम एज और आर. एम एज आर. और पास्ट में क्या फॉर्म लेगी? जी पास्ट के अंदर यही फॉर्म दो फॉर्म लेगी, वॉज और वर. प्रेजेंट में बी को हम एम एज आर और पास्ट में वॉज वर. और फ्यूचर में जी फ्यूचर में हमारे पास ये आ जाएगी will be, will be. तो ये जो काम है बी वर्ब का कि प्रेजेंट में ये एम इज आर हो जाता है, पास्ट में वॉज वर हो जाता है और फ्यूचर में विल बी हो जाता है, ये कैसे? बी वर्ब एज लिंकिंग और एज हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करता है. अब वो कैसे है? अगर तो बी वर्ब से हम सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग हम पता लगता है कि वहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट है. एक्शन बता देता है कि क्या काम होता है और स्टेट बताती है. जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, क्या स्टेट बताई जा रही है कि मैं क्या हूं? टीचर हूं. ये प्रेजेंट में है. अगर मैं कहता हूं आई वॉज अ टीचर तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि मैं टीचर था, अभी नहीं हूं क्योंकि मैं वॉज यूज कर रहा हूं. आई विल बी अ टीचर तो मैं क्या बता रहा हूं कि मैं टीचर होऊंगा फ्यूचर में, अभी नहीं हूं, पास्ट में भी नहीं था लेकिन प्रेजेंट में होऊंगा. तो ये जो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बी वर्ब जो है वो काम कर रही है. अब प्रेजेंट में ये कैसे काम करती है, पास्ट में कैसे करती है और फ्यूचर में कैसे करती है उसको हम देखते हैं. जी दोस्तों आप एक बॉक्स देख रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल. अगर आपका आई है तो हम एम लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम इज लगाते हैं, वी यू दे हम आर लगाते हैं. वी मन हम एक सिंगुलर क्या होता है, एक जना है, लेकिन प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा है. अगर यू सिंगुलर है दैट मीन्स आप एक बंदे की बात कर रहे हैं, अगर यू प्लूरल है प्लूरल है तो दैट मीन्स आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. तो आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि सिंगुलर के साथ अगर एम जो है वो हमेशा आई के साथ आएगा और जो इज है वो सिंगुलर्स के साथ आएगा और जो आर है वो प्लूरल के साथ आएगा. जैसे बॉय इज, बॉयज आर, संगीता इज, संगीता एंड मीता आर. तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. तो अगर मैं तो सिर्फ बी के साथ मैं स्टेट भी प्रेजेंट कर सकता हूं और एक्शन भी प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, स्टेट के बारे में कि मैं स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करता हूं. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी देम. जी दोस्तों अभी हम बी फॉर्म को प्रेजेंट में देख रहे हैं और उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे. आई एम अ टीचर, ये दो बार टीचर लिखा गया है, वी कैन से आई एम अ टीचर तो एक टीचर जो है वो कंसिडर नहीं होगा. यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन, इट इज एन एप्पल, वी आर पीपल, यू आर स्टूडेंट्स, दे आर वर्कर्स. अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है. आई कब हम यूज करते हैं? जब हम अपने आप को बताते हैं आई एम.
यू हम किसको कहते हैं? किसी दूसरे पर्सन को जिससे हम बात कर रहे हैं, यू आर। ही हम किसी के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो मेल है तो हम यूज करते हैं ही, अगर फीमेल है तो हम यूज करते हैं शी, और अगर कोई जो थिंग्स है जैसे टेबल, चेयर, एप्पल, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम इट यूज करते हैं। इवन एनिमल्स और बर्ड के लिए भी हम, बर्ड्स के लिए भी इट यूज करते हैं। वही मीन्स कि जो स्पीकर है वो एक ग्रुप की तरफ से बोल रहा है, वी आर स्टूडेंट्स। दे, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स और ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ मेल्स और ग्रुप ऑफ फीमेल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ बर्ड्स, दे आर। तो हम एक ग्रुप को रेफर करते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, दे आर वर्कर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर बर्ड्स, दे आर एनिमल्स, दे आर, जो भी ग्रुप आप उसमें ऐड करते हैं। तो आप अभी क्या बता रहे हैं? सिर्फ स्टेट बता रहे हैं कि वो कौन है, प्रेजेंट में वो कौन है, वो कौन था। अगर था शब्द आता है तो मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, राइट? तो तब जो है वो, जो प्रेजेंट में हम एम इज आर लगा रहे हैं, वो चेंज होकर जहां पे हम सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब बी लगा रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, जो बी वर्ब है वो पास्ट में हो जाएगी। अगर मैं इज एम आर लगा रहा हूं तो वो क्या लगेगा, वॉज वर्ब लगेगा। वो कैसे, लेट्स सी। जी दोस्तों, ये पास्ट को शो कर रहा है, जैसे मैं यूज कर रहा हूं आई के साथ वॉज, अब यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। तो हम, मैं जो बी प्रेजेंट में, जो बात प्रेजेंट में चल रही है उसमें इज एम आर यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर बात पास्ट में है तो मैं क्या करता हूं, उसको वॉज वर करूंगा। अब वॉज कहेगा, वर कहेगा, वो आपके सामने है। आई के साथ वॉज, ही शी इट के साथ वॉज, यू वी दे के साथ वर। तो वो मेरी बात पास्ट में होगी, जैसे आई एम अ टीचर, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर। तो सेम चीज है, जो आप सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब चेंज कर रहे हो वही जो है प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल बी। तो वो ये बता रहा है कि फ्यूचर में वो ये बन जाएगा, इस स्टेट पे पहुंच जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट में टीचर हूं तो आई विल से आई एम अ टीचर। अगर मैं प्रेजेंट में नहीं हूं लेकिन पास्ट में था तो मैं कहूंगा आई वॉज अ टीचर। अगर मैं प्रेजेंट में भी टीचर नहीं हूं, पास्ट में भी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में टीचर बन जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल बी अ टीचर। तो मैं कौन सा वर्ब यूज करूंगा, आई विल बी अ टीचर। तो ये अभी क्या बता रही है, स्टेट बता रही है। तो अभी हमने ये देख लिया है कि आई एम, ही इज, और यू आर, और आई वॉज, शी वॉज, यू वर। I will be, you will be, she will be, और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि सभी के साथ will be आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, या कोई भी प्रोनाउन है। अब ये तो था कि मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर था, या मैं टीचर होऊंगा। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिविटी नहीं है। अगर हमने कोई नेगेटिव स्टेट बनानी है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, तो वो बी के साथ प्रेजेंट में कैसे होगा, बी के साथ पास्ट में कैसे होगा, और बी के साथ फ्यूचर में कैसे होगा, लेट्स सी इट। जी दोस्तों, उसमें आपने सिंपल एक चेंज करना है कि जो आप एम इज या आर लगा रहे हो तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, एन ओ टी, नॉट, एम नॉट, इज नॉट, और आर नॉट। जैसे आई एम नॉट, यू आर नॉट, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not। तो आप क्या बता रहे हो, जैसे कह रहे हो आप I am a teacher, तो आप बताओगे I am not a teacher। Past में भी same उसी तरीके से I was not,
you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. I was a teacher, I was not a teacher. Future mein bhi kya ho jayega? I will be a teacher, I will not be a teacher. Jo not hoga, wo will be ke beech mein insert hoga. I will not be a teacher. To is tarah se be present mein, past mein aur future mein use ki ja rahi hai. Ab suppose agar main uska question banana chahta hun. Jaise you are a teacher, you are not a teacher. तुम अध्यापक हो, तुम अध्यापक नहीं हो. अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम अध्यापक हो, तो वो कैसे बनेंगे? Let's see. क्वेश्चन के केसेस में क्या होता है दोस्तों कि जो बी फॉर्म होती है, वो फ्रंट में आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ये हम बात कर रहे हैं अगर बी वर्ब स्टेटिव है. अगर बी वर्ब प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज वर, फ्यूचर में है तो विल. यहां पे थोड़ा आपको हो जाएगा विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर आपका ऑब्जेक्ट. यानी कि इसके बीच में सब्जेक्ट आपने इंसर्ट करना है इन केस ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन. अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, हाउ, लेट्स सी. अभी ये जो बॉक्स है वो प्रेजेंट को है और ये पास्ट को डिस्क्राइब करता है. जैसे आप देख रहे हैं कि आई से पहले एम लगा है, आई एम से पहले. यानी कि अगर हम आई एम कहते हैं तो क्वेश्चन में हम बोलेंगे एम आई, यू आर यू, ही इज ही, शे इज शी, इज इट It is or is it? We are we? You are you? Are they are they? I was I? You were you? He was he? She was she? It was it? Were we? You were you? They were they? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. जैसे मैंने पूछा था, आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर. मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर. तो आप देख रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं यू आर अ टीचर तो वो क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन के पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता है. आर यू अ टीचर. इसी तरह एम आई अ टीचर, इज ही अ टीचर, Is she a teacher? Right? Are we teachers? Are you teacher? Are they teachers? तो इस तरह से change हो गया है. जी दोस्तों, अभी हमने एक सभी की statements को हमने example के तौर पे लिया है. जैसे ये simple statement है, I am a teacher. ये negative है, I am not a teacher. और ये question है, am I a teacher? तो इसी तरह से जैसे अगर आप यू यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, तो वो चेंज होएगा. यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर. तो अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर आप बोल रहे हैं तो वो क्या होगा, थोड़ी सी टोन आपकी रेज होगी, आर यू अ टीचर. अगर ये चीज हम बता रहे हैं प्रेजेंट में, जो पर्सन की स्टेट प्रेजेंट में है, जो वो करंटली है, लेकिन ये पास्ट में है, जो बीत गया है. आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आई अ टीचर. फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, आई विल बी अ टीचर, आई विल नॉट बी अ टीचर, विल आई बी अ टीचर. यानी कि प्रेजेंट वो टाइम है जो हमारा अभी चल रहा है, पास्ट क्या है जो बीत गया है, और फ्यूचर क्या है जो आने वाला टाइम है, जो अभी आया नहीं है पर आएगा. तो इस तरह से हम बी को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं. सिंपल स्टेटमेंट में, नेगेटिव में और क्वेश्चन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. तो ये सिर्फ स्टेट बता रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है. ये आपने एक चीज ध्यान देनी है कि कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है. तो हम कुछ स्टेटमेंट्स पहले एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं ताकि आप उसको अच्छे से और ग्रास्प कर सको. लेट्स सी इट.
मेरे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहले मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊंगा, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में. जैसे शी डैश अ स्टूडेंट. अब अगर वो प्रेजेंट में स्टूडेंट है तो मैं कहूंगा शी इज अ स्टूडेंट. अगर वो अभी स्टूडेंट नहीं है, पास्ट में है, शी वॉज अ स्टूडेंट. फ्यूचर में क्या होगा? शी विल बी अ स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश स्टूडेंट्स. प्रेजेंट में वी आर स्टूडेंट्स, मतलब अभी हम स्टूडेंट हैं. वी वर स्टूडेंट्स, पास्ट में थे, अभी नहीं, अभी क्या प्रोफेसर बन गए हैं, जेंटलमैन बन गए हैं. फ्यूचर वी विल बी स्टूडेंट्स. आई डैश अ वर्कर. प्रेजेंट आई एम अ वर्कर, कि मैं अभी वर्कर हूं. बीत की बात आई वॉज अ वर्कर. आने वाली बात आई विल बी अ वर्कर. जॉन एंड मैरी डैश एट होम. अब जॉन एंड मैरी क्या बन गया है? प्लूरल बन गया है. दो इंसानों की बात हो रही है. अगर जॉन की होती तो एक पर्सन होता, तो हम यहां पे प्लूरल वर्ब ही चूज करेंगे. प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब आर है, पास्ट में वर है, फ्यूचर में कोई नहीं है, सिंगल है, तो फ्यूचर में सर जाएगा. राइट. जॉनी, जॉन एंड मैरी आर एट होम. अभी की बात हो रही है, बीत गया टाइम है, तो जॉन एंड मैरी वर एट होम. अगर आने वाला है जॉन एंड मैरी विल बी एट होम. यू अगर सिंगुलर है, एक ही है, तो भी प्रेजेंट में उसके साथ आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल भी होगा. यू आर अ टीचर, यू वर अ टीचर, यू विल बी अ टीचर. अगेन यू डैश इन द क्लासरूम, यू आर इन द क्लासरूम, प्रेजेंट यू वर इन द क्लासरूम, पास्ट यू विल बी इन द क्लासरूम, फ्यूचर. He dash a good worker. He is a good worker. Present. He was a good worker. Past. He will be a good worker. Future. My family. एक singular होता है family word. My family is in Mexico. मतलब अभी की बात हो रही है कि वो Mexico में है. My family was in Mexico. मेरी family Mexico में थी. अभी नहीं है. अभी कहाँ है? London में. My family was in Mexico. But now they are in London. It dash cold outside. It is cold outside. अभी cold, अगर आप बाहर जाएंगे अभी तो आपको ठंड लगेगी. That means आप बोल रहे हैं present में. It is cold outside. It was cold outside. मतलब कल रात था या 10 दिन पहले था या 2 महीने पहले था. तो it was cold outside. It will be cold outside. मतलब कल को होगा या आने वाले 2-3 हफ्ते में या दिनों में होगा. They are in the car, they were in the car, they will be in the car. तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम स्टेटिव जो बी है उसको यूज करते हैं. आप अपने प्रोफेशन को, अपनी एज को, कलर को, टाइम को, तो किसी भी स्टेट को आप क्या कर सकते हो? प्रेजेंट कर सकते हो. अब हमने स्टेट सीख लिया कि बी जो वर्ब है वो स्टेट के साथ कैसे आती है. अगर बी वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब क्या होती है? जैसे दोस्तों ये वर्ब हैं जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, डू, गो, स्लीप, रीड. अगर सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब है, अगर प्रेजेंट है तो ये बी इज एम आर होगी, पास्ट है तो ये बी वॉज वर होगी, और अगर फ्यूचर है तो ये वर्ब विल बी होगी. और इसके बाद अगर हमारी एक्शन वर्ब है, डू, गो, स्लीप, रीड, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड करता है हम क्या कहना चाहते हैं. तो ये जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? आईएनजी फॉर्म. कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहां पे क्या बता रहे हैं? एक्शन बताने वाले हैं. सो लेट्स सी एग्जांपल्स. जी दोस्तों, अभी मैंने प्रेजेंट में भी एग्जांपल लिख दी है, पास्ट में भी लिखी है और फ्यूचर में भी लिखी है. अगर वर्ब आ जाता है तो वर्ब किस में चला जाएगा? आईएनजी फॉर्म में. आप देख रहे हैं कि चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, अगर इज एम आर के बाद वर्ब आ रही है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब आ रही है, या फिर विल बी के बाद वर्ब आ रही है, तो वो क्या हो रही है? आईएनजी हो रही है. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल. ये हम अभी की बात करें, प्रेजेंट की, कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर से कोई एक लगाओ,
वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जाए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, स्कूल। अगर वो पास्ट में आप बात कहना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के पास या वॉज या वर, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाओ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्या है, स्कूल। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर में विल बी लगाओ, फिर वर्ब की आईएनजी लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। तो मैं पास्ट में क्या बोलूंगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर में अगर मैंने जाना है तो कहूंगा आई विल बी गोइंग टू स्कूल। आप टाइम भी दे सकते हैं, राइट, मंडे एट दिस टाइम आई विल बी गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब अभी आप जा रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आप पास्ट में किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो प्रोग्रेस में था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये बी का हमने सीखा अभी ऊपर ऊपर से कि बी जो है वो प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर है उसको प्रॉपरली आपने जो है सीखना है, वो समझ भी आया होगा। अपनी जो आपकी नोट पैड है उस पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको प्रॉपरली ये सारे ही आ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे बी की, राइट। अभी आपको क्वेश्चंस नेगेटिव बनाना आ गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब को आगे लेकर जाना है। अगर नेगेटिव है तो बी वर्ब जो है जैसे इज एम आर, वॉज वर और विल बी, इज एम आर के बाद नॉट, वॉज वर के बाद नॉट, लेकिन विल और बी के बीच में नॉट आएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।